बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। एम सी क्यू स्पेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ जनवरी के तीसरे हफ्ते के 25 से ज़ायद अहम तरीन पाकिस्तान और इंटरनेशनल करंट अफेयर शेयर करेंगे। पीडीएफ फाइल की डाउनलोड लिंक आपकी साइट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है, पर पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में लगा। वीडियो को टाइल एंड तक देखें। इससे पहले हम जनवरी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की वीडियोस भी क्रिएट कर चुके हैं, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी अवेलेबल है। What is the rank of Pakistan in Global Firepower Index 2022? पाकिस्तान का क्या रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में? सो इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 9th रैंक है पाकिस्तान का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में। पाकिस्तान का 2020 में 15th रैंक था, फिर पाकिस्तान ने 2021 में 5 दर्जे तरक्की पाते हुए 10th रैंक हासिल की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एनुअल रैंकिंग जारी करता है कंट्रीज की अकॉर्डिंग टू इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। इस लिस्ट में अगर बात की जाए तो पहला नंबर यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ, उनके पास मैन पावर चाइना और इंडिया से कम है, लेकिन उनके पास और मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो एडवांस है चाइना और इंडिया और रशिया से। सेकंड नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर इंडिया और पाँचवें नंबर पर जापान मौजूद है। और यहाँ पर कुछ की बात यह है कि पाकिस्तान इसराइल से रैंकिंग में आगे है। Who is the current president of European Parliament? कौन है मौजूदा सदर यूरोपियन पार्लियामेंट के? अभी हाल ही में डेविड ससोली का इंतकाल हुआ, जो कि प्रेजिडेंट थे यूरोपियन पार्लियामेंट के। सो उनके इंतकाल के बाद अब किस को यूरोपियन पार्लियामेंट का नया सदर मुंतखब किया गया है? सो इन गिवन ऑप्शन में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला माल्टीजी पॉलिटिशियन है, यानी कि उनका ताल्लुक माल्टा से है, और वो 18 जनवरी 2022 को इलेक्ट हुए एज ए प्रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। और यहाँ पर एक अनदर पॉइंट, ही इज़ द यंगेस्ट एवर पर्सन जो कि प्रेजिडेंट मुंतखब हुई हैं, और वो मेंबर है यूरोपियन पार्लियामेंट के सेंस 2013 से, और वो फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट भी है यूरोपियन पार्लियामेंट के, जिन्हें नवंबर 2020 में मुंतखब किया गया था। उन्होंने 458 वोट्स हासिल किए और शी बिकेम द 3rd वुमेन टू हेड द चैम्बर। Who is the current ambassador of Indonesia to Pakistan? कौन है मौजूदा ambassador of Indonesia to Pakistan? हाल ही में भी इनका जिक्र आया था नेशनल न्यूज़ में कि इंडोनेशिया जो है वो पाकिस्तान को कोयला फराहम करना चाहता है सी पैक के जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं। सो इसमें इंडोनेशिया के एम्बेसडर का जिक्र आया था, तो इसलिए इसको इस वीडियो में ऐड किया गया है। सो कौन है मौजूदा एम्बेसडर ऑफ इंडोनेशिया टू पाकिस्तान? सो इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एडम मलवर्मन तोग्यो। ये मौजूदा एम्बेसडर है ऑफ रशिया टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान टू इंडोनेशिया मोहम्मद हसन है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ HEC? कौन है मौजूदा चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के? सो इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, तारिक जावेद। तारिक जावेद को 18 जनवरी 2022 को दोबारा से चेयरमैन मुंतखब किया गया हायर एजुकेशन कमीशन का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको रीअपॉइंट किया, यानी कि इनकी जो चेयरमैनशिप थी उसको रिस्टोर्ड किया, जिसको ख़त्म किया गया था मार्च 2021 में बाई PTI गवर्नमेंट थ्रू HSC ऑर्डिनेंस, जिसमें अमेंडमेंट की गई और जिसमें चेयरमैन की मुद्दत जो है वो 4 से 2 कर दी गई थी। जावेद 2018 में अपॉइंट किया गया था फॉर ए 4-year टर्म बाय देन प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, जिनका टेन्योर मई 2022 में पूरा होना था। और जो अमेंडमेंट की गई थी HSC ऑर्डिनेंस में वो इन पर लागू नहीं होती, क्योंकि ये चेयरमैन मुंतखब हुए थे। ये जो अमेंडमेंट है ये इनके बाद जो चेयरमैन होंगे वो उन पर लागू होगा। गूगल पेज ट्रिब्यूट टू लेट एक्टिविस्ट परवीन रहमान विद ए डूडल ऑन हर डेज बर्थडे। गूगल ने अपना डूडल चेंज किया, परवीन रहमान की पिक्चर वापस नसब की जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। सो गूगल ने अपना डूडल परवीन रहमान की किस बर्थडे पर चेंज किया? सो इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 65th बर्थडे पर गूगल ने अपना डूडल चेंज किया। गूगल ने 22 जनवरी 2022 को लेट आर्किटेक्ट एंड एक्टिविस्ट परवीन रहमान को ट्रिब्यूट पेश किया ऑन हर 65th बर्थडे। शी वॉज बॉर्न ऑन January 22, 1957 इन ढाका बांग्लादेश, लेकिन 1971 लिबरेशन वॉर के बाद
इनकी फैमिली कराची शिफ्ट हुई। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी हाउसिंग बिल्डिंग एंड अर्बन प्लानिंग में की, इसलिए इनको आर्किटेक्चर यानी कि आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। रहमान ने अपनी पूरी जिंदगी हेल्पिंग 1.5 मिलियन रेजिडेंट्स ऑफ कराची औरंगी टाउन के लोगों के लिए न्यू हाउसेज, मेडिकल फैसिलिटीज और उनके लिए स्कूल्स बनाने में वक्फ की, और वो इनकी हेड भी थी। परवीन रहमान को सितारा शुजात से भी नवाजा गया है फॉर हर वर्क एंड डेडिकेशन। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को कत्ल कर दिया गया था। रिसेंटली इंडोनेशिया रिप्लेसिंग इट्स कैपिटल जकार्ता। व्हाट इज द न्यू कैपिटल ऑफ द कंट्री? अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने बिल पास किया है जिसके तहत उन्होंने अपना कैपिटल जकार्ता से चेंज कर दिया है। सो अब इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल क्या होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नुसंतरा। नुसंतरा अभी न्यू कैपिटल होगा इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया ने 18 जनवरी 2022 को बिल पास किया जिसके तहत उन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया जकार्ता टू ईस्ट कैलीमेंटन। आपको यहाँ पर शो रहा होगा ये ईस्ट कैलीमेंटन है, और यहाँ पर ये अपने न्यू कैपिटल क्रिएट करेंगे जिसको नाम दिया जाएगा नुसंत्र। और ये जो ईस्ट कैलीमेंटन है ये लोकेटेड है ईस्ट ऑफ बर्नुई। ये पूरा आइसलैंड जो है ये बर्नुई आइसलैंड है। सो ये ईस्ट कैलीमेंटन कहाँ पर वाक़ है? ये ईस्ट ऑफ बर्नुई में वाक़ है, जो कि 2000 किलोमीटर्स अवे हैं बुर्नुई आइसलैंड से। द न्यू कैपिटल ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नुसंत्रा, जिसका मतलब है एर्कप्लेगो। एर्कप्लेगो का मतलब है जजीरा नुमा। जकार्ता जो है वो कैपिटल था इंडोनेशिया का सेंस इन इंडिपेंडेंस, यानी कि 1949 से जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल था। द रीजन बिहाइंड इंडोनेशिया डिसीजन इज सिंपल, ये सिंपल है, जकार्ता इज सिंकिंग। जकार्ता जो है वो डूब रहा है। जकार्ता हर साल 25 सेंटीमीटर्स जमीन के अंदर डूब रहा है। हु हैज बीन नेम्ड एज कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ देयर 2021? किसको आईसीसी की जानिब से आईसीसी की मेंस ओडीआई टीम ऑफ देयर 2021 का कैप्टन मुंतखब किया गया है? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बाबर आजम को आईसीसी मेंस ओडीआई टीम का कैप्टन मुंतखब किया गया है, जिसके बारे में आईसीसी ने 20 जनवरी 2022 को अनाउंस किया। और इस टीम में पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड बैटर फखर जमान भी शामिल है, और इस टीम में कोई भी इंडियन प्लेयर शामिल नहीं है। बाबर आजम जो है वो आल्सो कैप्टन है आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021, और साथ ही साथ वो बेस्ट कैप्टन भी है फॉर द ईयर 2021 बाय द आईसीसी। ए ब्रिटिश बेल्जियन टीनेजर बिकम द यंगेस्ट वुमन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड नेम्ड। ब्रिटिश बेल्जियन यानी कि ब्रिटिश बेल्जियम टीनेजर जो कि दुनिया की यंगेस्ट वुमन है यानी कि सबसे छोटी उम्र की खातून है, फ्लाई सोलो यानी कि उन्होंने अकेले दुनिया का चक्कर लगाया है, उनका क्या नाम है? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड इन माइक्रो लाइट एयरप्लेन। पहली ये बात हुई वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने माइक्रो लाइट एयरप्लेन के थ्रू दुनिया का चक्कर लगाया। फिर एट द एज ऑफ 19 शी बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर 5 मंथ्स जर्नी, यानी कि इनको इस राउंड को कंप्लीट करते हुए 5 मंथ्स लगे। उन्होंने अपना सफर बेल्जियम के शहर कॉर्ट्रेक से 18 अगस्त 2021 को शुरू किया, जो कि ख़त्म हुआ 20 जनवरी 2022 को। हु क्लेम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लाहौर अनारकली मार्केट ब्लास्ट दैट टुक प्लेस इन जनवरी 2022? किसने ये जिम्मेदारी कबूल की है लाहौर अनारकली मार्केट ब्लास्ट की, जो कि जनवरी 2022 में हुआ? इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी। बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ये अभी हाल ही में यानी कि जनवरी 2022 में इस ग्रुप को बनाया गया है, और इस ग्रुप में बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी इन दोनों को मर्ज किया गया है, और इन दोनों की मर्जिंग से न्यू पार्टी बनाई गई है जिसे बलूचिस्तान नेशनल आर्मी कहा जाता है। और इस ब्लास्ट में 2 लोगों की जान गई, साथ ही साथ 26% जो है वो इंजर्ड हुए। और ये ब्लास्ट हुआ पान मंडी इन लाहौर अनारकली एरिया ऑन जनवरी 2022 को। पुलिस के मुताबिक ये पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बाद में ये पता चला कि ये बम ब्लास्ट है, और इसकी जिम्मेदारी कुछ घंटों के बाद बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी ने कबूल की। लेकिन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने एक टीवी शो में कहा उसी दिन यानी कि 20 जनवरी 2022 को कि इसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से अभी तक किसी किस्म की स्टेटमेंट सामने नहीं आई। तो ज़्यादातर जो पॉइंट्स है वो जाते हैं बलूचिस्तान नेशनलिस्ट
आर्मी की जानिब। Who won the FIFA Best Men Player Award 2021? किसने फीफा के बेस्ट मैन प्लेयर फॉर द ईयर 2021 का अवार्ड अपने नाम किया? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रॉबर्ट लेवनडॉस्की। रॉबर्ट लेवनडॉस्की जो कि पोलैंड के प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, उन्होंने 17 जनवरी 2022 को ये अवार्ड अपने नाम किया और ये सेरेमनी जो थी वो वर्चुअली हेल्ड हुई थी ड्यू टू कोविड-19 पैनडेमिक। विच कंट्री हैज बिल्ड एन आर्टिफिशियल मून प्रोजेक्ट? आर्टिफिशियल सन के बाद अब कौन सा मुल्क आर्टिफिशियल मून के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल मून क्रिएट करने जा रहा है? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी चाइना। चाइना आर्टिफिशियल सन के कामयाब तजुर्बे के बाद अब आर्टिफिशियल मून क्रिएट करने जा रहा है और उन्होंने आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी वो क्रिएट करेंगे जिसके तहत वो लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट यूजिंग मैग्नेटिज्म क्रिएट करेंगे और ये फैसिलिटी जो है इस साल ऑफिशियली इसको लॉन्च किया जाएगा और इसमें पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा वैक्यूम चैम्बर के अंदर टू मेक ग्रेविटी डिसअपीयर, जिसमें ग्रेविटी को डिसअपीयर किया जाएगा और इसका मेन मकसद ये है कि चाइना स्पेस में अपना कंट्रोल बना सके। Who becomes Pakistan's first transgender doctor? कौन है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर? So in the given options, the correct option is option B, सारा गिल। सारा गिल जो है वो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है और साथ ही साथ वो ट्रांसजेंडर डॉक्टर भी बन चुकी है पाकिस्तान की पहली। सारा गिल जो है उसको बीकन ऑफ होप के नाम से डिस्क्राइब किया जा रहा है ड्यू टू कि वो उम्मीद है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऑफ द पाकिस्तान कि वो अपने ड्रीम्स को परसू कर सकते हैं जिस तरह डॉक्टर सारा गिल ने किया। डॉक्टर सारा गिल ने अपनी एजुकेशन जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची से हासिल की और उन्होंने जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से अपने 5 ईयर MBBS को क्लियर करते हुए वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान बनी है। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन कमीशन? कौन है मौजूदा चेयरमैन पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन कमीशन ये? सो इन गिवन ऑप्शंस में द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सलीम अहमद। सलीम अहमद को नया चेयरमैन मुंतखब किया गया है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 20 जनवरी 2022 को ड्यू टू रिजिग्नेशन ऑफ आउटगोइंग प्राइवेटाइजेशन कमीशन चेयरमैन मोहम्मद मियां सुमरो। 3 वीक जैन 2022 ये पासवर्ड है PDF फाइल का, आप इसको एंटर करके PDF फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। Who claims the responsibility of attack near Abu Dhabi main airport? किसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है कि उन्होंने अबू धाबी के नियर जो है वो 3 फ्यूल ट्रक्स को उन पर उन्होंने ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया नियर अबू धाबी एयरपोर्ट? सो इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यमनूती रेबल्स। यमनूती रेबल्स जिसको ईरान बैक्ड कर रहा है लेकिन ईरान इस एलिगेशंस को डिनाई कर रहा है। सो यमन फाइटर्स की जानिब से ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जिसके तहत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि 3 फ्यूल ट्रक्स को तबाह किया गया इन ड्रोन्स के थ्रू आउटसाइड द कैपिटल अबू धाबी और ये वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स है टू डेट ऑन UAE सोइल और ये अटैक 17 जनवरी 2022 को अबू धाबी मेन एयरपोर्ट के साथ हुआ और इसमें 3 लोगों की जान गई जिसमें 1 पाकिस्तानी और 2 इंडियंस शामिल थे। Who is India's most successful test captain? कौन है इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विराट कोहली। इंडिया के सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन टेस्ट कैप्टन है, उन्होंने इंडियन टीम की 7 साल तक उन्होंने इंडियन टीम को लीड किया और इनका जो सफ़र था सीरीज डिफीट इन साउथ अफ्रीका में तमाम हुआ। विराट कोहली जो है वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है एवर प्रोड्यूस्ड। विराट कोहली ने इंडिया को 68 टेस्ट मैचेस में लीड किया जिसमें उन्होंने 40 विन्स हासिल की जो कि विन परसेंटेज 58.28 बनता है और इन 40 विन्स के साथ विराट कोहली जो है वो दुनिया के 4th सक्सेसफुल कैप्टन है ओनली बिहाइंड ग्रेम स्मिथ रिकी पॉइंटिंग एंड स्टीव वॉग। अकॉर्डिंग टू द नेशनल अकाउंट्स कमेटी द ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इंक्रीज ड्यूरिंग 2020-20। अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट्स कमेटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है वो साल यानी कि फिस्कल ईयर 2021 में वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 5.4%। पाकिस्तान की GDP जो है वो एक्सपेंड हुई है यानी कि उन्होंने ग्रोथ किया और ये सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है इन द लास्ट 3 ईयर ऑफ द करंट गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट्स कमेटी जिन्होंने जो एस्टिमेट लगाया था वो 3.94% था
लेकिन जो ओरिजिनल ग्रोथ भी जो उन्होंने शो किए हैं वो 5.4% है। और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का जो साइज़ है वो $446.76 बिलियन तक जा पहुंचा है, और जो प्रोविजनल एस्टीमेट लगाया गया था $296 बिलियन का, उससे ये $446 बिलियन तक जा पहुंचा है अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट्स कमेटी, जिन्होंने ये फिगर जनवरी 2022 को शाया किए। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन द लिस्ट ऑफ टीबी हाई बर्डन नेशंस 2025? पाकिस्तान का क्या रैंक है टीबी से मुतासरा होने वाले नेशंस में से? साल 2021 की ये लिस्ट में पाकिस्तान का कौन सा रैंक है? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पाकिस्तान का जो 5th रैंक है इस लिस्ट में। पाकिस्तान में हर साल 44,000 लोग टीबी से मरते हैं एवरी ईयर, जो कि और पाकिस्तान की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान 5th टीबी हाई बर्डन नेशंस में शामिल है। 27,000 से ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस ईच ईयर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर रशीद नाज पास्ड अवे ऑन। पाकिस्तान के मशहूर फिल्म और टेलीविजन एक्टर रशीद नाज कब इस जाने फानी से रुखसत हुए? इन गिवन ऑप्शंस में से द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 17 जनवरी 2022 को। सीनियर फिल्म टीवी एंड स्टेज एक्टर रशीद नाज जो है उन्होंने इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में उनकी मौत वाकई हुई और वो 73 साल की उम्र में फौत हुए। फैमिली रिसोर्सेज से 17 जनवरी 2022 को कंफर्मेशन की गई। रशीद नाज 9 सितंबर 1948 में पेशावर में पैदा हुए। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर 1971 में पश्तो टेलीविजन प्ले से शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने पश्तो, हिंको, उर्दू लैंग्वेजेस के ड्रामों में काम किया। विच टीम वॉन द 42nd नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप? किस टीम ने पाकिस्तान की 42nd नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया? इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स और वापडा दोनों ने 46 पॉइंट्स हासिल किए, जिसके तहत दोनों के दरमियान मैच ड्रा हुआ, और ये मैच जो है वो पंजाब स्टेडियम में 16 जनवरी 2022 को खेला गया था, जिसमें वापडा और पाकिस्तान एयरफोर्स दोनों को ज्वाइंट विनर करार दिया गया। विन प्रेसिडेंट आरिफ अलवी गेव हिज सेरेमोनियल असेंट टू द फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री बिल 2024, कन्वर्टिंग इट इनटू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी ने सेरेमोनियल असेंट दिया फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री बिल 2021 को? सेरेमोनियल असेंट का मतलब है रस्मी मंजूरी दी उन्होंने फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री बिल 2021 को, जिसके तहत ये कन्वर्ट किया जाएगा टू एन एक्ट, यानी कि ये बिल से एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है ऑफ द पार्लियामेंट। सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 15 जनवरी 2022 को आरिफ अलवी ने यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री बिल को, जनरली जिसे मिनी बजट भी कहा जाता है, 15 जनवरी 2022 को इसको रस्मी मंजूरी दे दी और ये कन्वर्ट कर दिया गया है टू एन एक्ट। और इसको एक्ट में कन्वर्ट करने का मकसद ये था टू फुलफिल वन ऑफ द की कंडीशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इस बिल के तहत ₹350 बिलियन की टैक्सेस जो है वो वसूल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद खान ओंडेश इनॉग्रेटेड गिलगित बल्तिस्तान फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल। चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान ने कब गिलगित बल्तिस्तान के फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, January 14, 2022 को इन्होंने फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल ऑफ जीबी का इफ्तिताह किया, और ये हॉस्पिटल 52 बेड्स पर मुश्तमिल है, और इसका नाम जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑनकोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी रखा गया है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल है, और इसको ₹2.5 बिलियन की लागत से कंप्लीट किया गया है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड फेडरल गवर्नमेंट। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाजिम हुसैन सिद्दीकी पास्ड अवे ऑन। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नाजिम हुसैन सिद्दीकी कब इस जानफानी से रुखसत हुए? सो इन द गिवन ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 15 जनवरी 2022 को उनकी मौत वाकई हुई, और उनकी मौत 81 साल की उम्र में वाकई हुई। जस्टिस सिद्दीकी June 30, 1940 को पैदा हुए हैदराबाद में, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने December 2003 को। Which Central Asian country government resigned recently after massive protests due to fuel price increase? हाल ही में किस Central Asian country की government ने, पूरी government ने resign दिया है after massive protest, यानी कि मुल्क की सतह पर वहाँ पर protest हुआ, लोग निकले जब fuel prices जो है वो increase हुए, और ये protest जो है
वो बद से बदतर होता जा रहा है। यानी कि अभी तक कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पुलिस और सिविलियन जो हैं उनके दरमियान झड़पें हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी और काफ़ी बिल्डिंग्स को जो है वो आग लगाई जा चुकी है। सो इन द गिवन ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जुमरत तोकियोव ने गवर्नमेंट रिजिग्नेशन एक्सेप्ट की आफ्टर नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फ्यूल प्राइस इंक्रीज। अभी तक जो है कजाकिस्तान जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंट्रल एशियन कंट्री है, सो इस वजह से वहाँ के लोग गुस्से में हैं कि क्यों आपने फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज किए हैं। अभी तक 100 से ज़ायद पुलिस वाले जो है वो इंजर्ड हो चुके और थाउजेंड ऑफ सिटीजन वर इन्वॉल्व इन द प्रोटेस्ट और स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है बाय द कजाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से।